अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा आज मैं आप लोगों के लिए थालपोश राउंड टेबल रनर लेके आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया है, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इससे बिग या स्मॉल थालपोश आप कैसे बनाएंगे। तमाम मेथड आपको ईजीली समझ आएगा और आसानी से आप अपना थालपोश बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इसे मेजर करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 15 इंच पे रेडी होके आया है, लेकिन अगर आपने इससे बड़ा बनाना हो तो वीडियो फुल देखने से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इससे बड़ा थालपोश आप कैसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 3 प्लाई वूल हम यूज़ कर रहे हैं और क्रोशिया हुक हम यूज़ कर रहे हैं 2.0 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्लिप नोट बांधनी है। स्लिप नोट बांधने के बाद अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स सिंगल क्रोशिया लेना है। 8 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद ये देखिए फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे। 1, 2, 3 थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ से हमने देखिए ये हमारे पास सेकंड डबल क्रोशिया है, 2 हो गए हमारे पास, 13, 14, 15, 16 फ्रेंड्स 16 टाइम हम यहाँ पर डबल क्रोशिया ले चुके हैं। 16 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब हमने ये देखिए, ये जो हमने 3 चेन्स ली थी इसकी फर्स्ट, ये जो टॉप वाली स्टिच है इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने 1, 2, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया लेनी है और सेम स्टिच में ही हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। ये अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं। 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेंगे। 3 चेन्स लेने के बाद ये देखिए, ये जो फर्स्ट हमारे पास डबल क्रोशिया है इसे स्किप करना है। सेकंड वाले में हम ट्वाइस टाइम डबल क्रोशिया ले लेंगे। एक ही चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। देखिए, एक चेन हमने स्किप की थी यहाँ पर और एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया ले ली है। 1, 2, 3 तीन चेन्स लेंगे। 3 चेन्स लेने के बाद देखिए, ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया इसे स्किप करना है और इसमें हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। मतलब 3 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशिया तमाम स्टिचेस में लेते हुए अपने इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट हो चुका है। अब ये फिर से 1, 2, 3 जो टॉप वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे। अच्छा, सिंगल क्रोशिया भी ले सकते हैं। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया अगर लेंगे तो फिर यहाँ पर ये इसको 1 सिंगल चेन कंसिडर करेंगे। 2, 3 ये हमारे पास 2, अब ये 3 जो हमारे पास ये बन के आया है ये एज अ डबल क्रोशिया कंसीडर होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है, ये अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 चेन स्पेस लेना है। उसके बाद इस डबल क्रोशिया पर हमने डबल क्रोशिया लेना है।
फिर से हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 3 4 5 फाइव चेन्स लेनी है और डबल क्रोशिया लेना है। सिंपल ये वाला राउंड 5 चेन और 2 डबल क्रोशिया लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। लुक एट दिस, ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। 5 चेन्स लेने के बाद देखिए जो 3 चेन्स हमने ली हुई हैं, इसकी टॉप वाली चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमने इस चेन स्पेस में आ जाना है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 अब ये एज अ डबल क्रोशिया हमने ले लिया है, 2 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 2 चेन्स ले लेनी है, फिर से इसी स्पेस में 1 2 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। 1 2 3 3 चेन्स लेनी है, 3 चेन्स लेने के बाद 1 2 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 2 चेन्स लेनी है, 2 टाइम डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 फिर से 1 2 3 3 चेन्स लेनी है और इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स लेते हुए इस राउंड को सिंपल इसी तरह हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई झुकाव या कोई खिंचाव नहीं है। अब ये लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अब फिर से ये जो हमने 3 चेन्स ली थी, 3 चेन लेने के बाद इसकी जो टॉप वाली चेन है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। 1 2 अब ये हमने एज अ डबल क्रोशिया कंसीडर करना है और 1 डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर ले लेंगे। ओके, अब ये जो हमने बनाया है इसके इस हिस्से में हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया लेना है। 1 2 2 चेन्स लेनी है और इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया लेना है और यहाँ पर हमने दोनों जो हमारे पास ये डबल क्रोशिया हैं दोनों के ऊपर 1 1 टाइम हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब ये बीच में हमने 3 चेन का स्पेस लिया था तो यहाँ पर भी हमने 1 2 3 ऐसे ही 3 चेन्स ले लेनी है। यहाँ भी 3 चेन्स थी, यहाँ भी हमने 3 चेन्स ले लेनी है। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस स्पेस में भी डबल क्रोशिया। अब इस जो हम ये लीफ बना रहे हैं, ये पत्ता सा बनेगा, तो इस पत्ते का हमने सिर्फ यहाँ से सेंटर से ही 2 स्टिचेस बढ़ाने हैं। देखिए, एक हम इस तरफ से बढ़ाएंगे और यहाँ पर 1 2 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद फिर से इसी स्पेस में हमने 1 टाइम इसको बढ़ा देना है और 2 डबल क्रोशिया हमने इन डबल क्रोशिया के ऊपर ले लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी सा और सिंपल सा मेथड है। मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। सिंपल मैं यहीं से आपको बताती हूँ कि इसको आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप इसको बहुत बड़ा थाल पोश भी बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये मेथड समझने की ज़रूरत है। ये 3 चेन स्पेस और ये 3 चेन स्पेस, एंड तक हमारा 3-3 ही चलेगा, जितना बड़ा भी हमने ये पत्ता या ये लीफ बनाना है। इन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 थे, 1 2 3 अब 3 हो गए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया लेना है, 2 चेन लेनी है, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो ऊपर वाले पैटर्न में हमारे पास ये 1 2 3 और फिर 1 बढ़ जाएगा, वो 4 हो जाएंगे। इसी तरह बनाते हुए जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा आपने ये थालपोश बनाना है इसको उतना बड़ा बना लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करने का मेथड बताऊंगी कि इसकी कटिंग हमने कैसे करनी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 राउंड्स बना लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बन के आ गए। आपने अगर इससे बिग थालपोश बनाना है तो इन्हीं इसी पैटर्न से बनाते हुए आप इस लीफ को बड़ा करते जाएंगे। जितना भी बड़ा थालपोश बनाना हो सिर्फ इस हिस्से से ये सारा बढ़ता जाएगा।
अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये देखिए ये फ्रेंड्स, अब ये जो 1 2 3 थर्ड चेन है हमारे पास, और ये इसकी ये जो थर्ड टॉप वाली चेन है इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा देना है। अब हमने इस डबल क्रोशिया को स्किप करना है, तो हम इस डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करेंगे। 1 2 इन टू स्टिचेस को एज अ डबल क्रोशिया लेंगे, और यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6। देखिए फ्रेंड्स, नीचे हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे, यहां पर हमारे पास 6 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुए हैं। अब हम ये देखिए, यहां पर हम पहले की तरह डबल क्रोशिया लेंगे, और यहां पर 1 2 2 चेन्स लेंगे, फिर से इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टिच बढ़ता था, यहाँ पे कम नहीं होता था, तो फिर यहाँ पर अब 7 की जगह 8 डबल क्रोशिया होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया स्किप किया है। 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर भी हमारे पास 7 डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं तमाम के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अब ये लास्ट यहां से हमने 1 डबल क्रोशिया यहां से हमने स्किप किया है, और 1 डबल क्रोशिया हम यहां से स्किप करेंगे। यहां पर हम ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 चेन्स ली थी, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन्स लेंगे। 5 चेन्स लेने के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप करते हुए इस डबल क्रोशिया पर हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। अब देखिए, यहाँ से भी 1 डबल क्रोशिया स्किप हो गया, यहाँ से भी 1 डबल क्रोशिया स्किप हो गया, फिर से तमाम डबल क्रोशिया पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया 2 चेन्स 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, यहीं से इसकी शेप वाजे होना शुरू हो गई है। अब जो है हमने ये जो 3 चेन्स ली थी, इसकी जो टॉप वाली चेन है इस पे हमने स्लिप स्टिच लगाना है, और ये जो देखिए, ये जो फर्स्ट हमारे पास डबल क्रोशिया बन के आ रहा है इस पर भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमने ये 2 जो स्टिच है ना, इन्हें हमने स्किप करना है, और ये जो थर्ड वाला है इसमें हमने अपने वर्क को स्टार्ट करना है। ये भी अब हमने ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी हमने स्लिप स्टिच लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने 1 2 2 स्टिच स्किप किए हैं, थर्ड वाले में जो है हमने 1 2 3 3 हमने चेन्स एज अ डबल क्रोशिया लेनी है, इसके साथ में हमने एक और डबल क्रोशिया ले लेना है। 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 3 4 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया थे, 2 स्किप किए हैं तो 5 डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं। ये जो हमारा पैटर्न जो स्पेस आ रहे हैं, यहाँ पर सेम हमने इसी मेथड से डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन्स, डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह हमने बना लेना है। अब हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ले लेना है। 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1 2 3 4 5
5 डबल क्रोशिया लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ से स्किप करने हैं। यहाँ से भी हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए थे, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 पांच चेन्स लेंगे। पांच चेन्स लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस स्पेस में हमने अपना डबल क्रोशिया ले लेना है। हम यहाँ पर कॉस्टर रेडी करेंगे, 1, फिर हमने 2 लूप्स को क्लोज करना है, 3 लूप्स रहने देने हैं। अब हमने 2 लूप्स को क्लोज करना है, ये देखिए हमारे पास 4 लूप्स बच के आ गए हैं। इन 4 लूप्स को इकट्ठा क्लोज करते हुए हम कस्टर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके डबल क्रोशिया कस्टर कहते हैं। अब हमने 1 2 3 4 5 फाइव चेन्स लेनी है। फाइव चेन्स लेने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। थर्ड में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है, इन 2 लूप्स को क्लोज करना है, इन 2 लूप्स को क्लोज करना है। अब हमने यहाँ पर भी इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेम इसी पैटर्न से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही वाज़े और ख़ूबसूरत पत्ता बन के आ रहा है। मैंने यहाँ पर 5 चेन लेकर स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए थे, यहाँ पर भी हमने 2 डबल क्रोशिया ही स्किप करने हैं। अब थर्ड डबल क्रोशिया में आ जाएंगे, यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया लेनी है। यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 थे, यहाँ पर अब हम जो 1 लेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। जस्ट 1 डबल क्रोशिया हमारा जो है वो रिमूव हो रहा है। 2 चेन्स 1 डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप इस डिज़ाइन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए लास्ट में फिर से हमने 1 2 डबल क्रोशिया स्किप कर देने हैं। 1 2 3 4 5 फाइव चेन्स लेनी है। फाइव चेन्स लेने के बाद देखिए अब ये स्पेस है, इस स्पेस में हमने कॉस्टर रेडी करना है, डबल क्रोशिया कॉस्टर, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया लेते हुए ये देखिए अब हमारे पास 4 लूप्स बच के आ गए हैं। इन 4 लूप्स को हमने इकट्ठा क्लोज करते हुए डबल क्रोशिया कॉस्टर रेडी कर लेना है। 1 2 3 4 5 फाइव चेन्स लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया कॉस्टर रेडी करेंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, 4 लूप्स बच के आ गए हैं। तमाम को इकट्ठा क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 फाइव चेन्स लेंगे, यहाँ से 1 2 लूप्स स्किप करने हैं, 2 डबल क्रोशिया, थर्ड में डबल क्रोशिया ले लेना है। बस फ्रेंड्स, यही हमारा पैटर्न है। इसी पैटर्न से जैसे हमने यहाँ से अपना लीव को बढ़ाया था, वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उस वक्त तक हम सेम इसी तरह बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1 कॉस्टर रेडी किया है, यहाँ पर 2 कॉस्टर रेडी किए हैं, फिर नेक्स्ट में हमारे पास 1 2 3 3 कॉस्टर रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर जब हम 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया जब बच के आ जाएंगे, उस वक्त तक हमने इस पत्ते की कटिंग करते जाना है। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर लेंगे, यानी ये लास्ट वाला जो है, और 1 इसके अंदर लेंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया हम इसके अंदर लेंगे और 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर लेंगे। तो इस तरह ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया सेम जैसे यहाँ पर है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, उस वक्त तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ तक बन के भी एक स्टार की सूरत में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर से इसका बॉर्डर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पत्ता बन के आया है।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमने टू डबल क्रोशिया, टू चेन और टू डबल क्रोशिया बना के वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक अगर बिग बनाएंगे तो फिर यहाँ से ऊपर से भी कटिंग भी इसकी ज़्यादा होगी। ये देखिए मैंने फाइव चेन्स लेके अब अगेन अपने पत्ते वाली ही जगह पे इसको स्टॉप कर लिया है। अब हम इस हिस्से में भी देखिए स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच लगा के यहाँ इस हिस्से में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे और इस हिस्से में ये देखिए टू डबल क्रोशिया लेने हैं, टू लूप्स क्लोज करके टू लूप्स रहने देने हैं। फिर से हमने टू डबल क्रोशिया लेने हैं, टू लूप्स क्लोज करके थ्री लूप्स रहने देने हैं। फिर से हमने टू लूप्स क्लोज करके अब फोर लूप्स रहने देने हैं। अब हमने डबल क्रोशिया कॉस्टर रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन्स लेंगे। फाइव चेन्स लेने के बाद ये देखिए ये फर्स्ट स्पेस जो है इसमें हमने फिर से डबल क्रोशिया कॉस्टर थ्री टाइम रेडी कर लेना है। थ्री डबल क्रोशिया लेके कॉस्टर रेडी करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन्स लेंगे, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया कॉस्टर रेडी करेंगे। फोर लूप्स आएंगे, इनको इकट्ठा क्लोज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह बनाते हुए हमने सिर्फ ये वन राउंड कंप्लीट नहीं करना, इसके ऊपर वाला जो भी राउंड है उससे भी हमने यहाँ पर ऐसे वन वन कॉस्टर लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर वाला बॉर्डर बनाना बताऊंगी कि इसके बाद इस राउंड को करने के बाद एक राउंड और आपने करना है, फिर उसके बाद हम दूसरा बॉर्डर जो है वो बनाएंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये यहाँ तक बन के भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसका ऊपर का बॉर्डर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ से कलर चेंज करना हो तो आप बॉर्डर का कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम कलर में ही इसका बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच किया है। अटैच करने के बाद यहाँ पर हम वन टू थ्री, ये थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट होंगी। अब हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लेना है। जहाँ हमने फाइव चेन्स ली थी वहाँ पर फाइव डबल क्रोशिया आ जाएंगे। अब ये जो हमने कॉस्टर रेडी किया था इस कॉस्टर के इस हिस्से में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। ये देखिए अब हमने फिर से इस स्पेस में फाइव टाइम डबल क्रोशिया लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हम इस कॉस्टर में पहुंच गए हैं तो इस कॉस्टर में हमने फिर से डबल क्रोशिया ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये सिंपल इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट किया था, इसमें बनाने के बाद वन राउंड मैंने और भी बना लिया था। ओके फ्रेंड्स देखिए इट्स लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा ये थाल पोश बना है। अब हम इसका नेक्स्ट ऊपर वाला बॉर्डर का रो जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स देखिए एक एक हिस्सा इसका बहुत ही वाजी और क्लियर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स देखिए ये जो थ्री चेन्स हमने ली थी इसकी टॉप वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच लगा के अटैच करना है। उसके बाद वन टू थ्री, थ्री चेन हमने एज अ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। इस थर्ड चेन को हम होल्ड करेंगे, वन टू थ्री, ये थ्री चेन हमने एज अ डबल क्रोशिया लेना है। अब यहाँ पर हम देखिए जिस चेन को हमने होल्ड किया था फोर्थ वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन, नेक्स्ट इस चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट इस चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास फोर डबल क्रोशिया बन के रेडी हुए हैं। अब हमने ये देखिए वन
टू थ्री, थ्री स्टिच स्किप करने हैं। फोर्थ स्टिच में हमने डबल क्रोशिया लेना है। अब यहाँ पर हम वन टू थ्री, थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे और थ्री चेन्स हम यहाँ पर ले लेंगे, वन टू थ्री। फिर से हमने वन टू थ्री, थ्री स्टिच स्किप करने हैं। फोर्थ में हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए सिंपल इसी तरह बनाते हुए हमने अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे खूबसूरत सा थाल पोश का कंप्लीट डिज़ाइन, मैं इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।